हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीन। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ हमारे हमेशा के खास मेहमान दिलीप जी हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। मैं ठीक हूँ और मैं काफी वक्त से अभी वीडियो नहीं कर रही थी, लेकिन आज आपके साथ मैं वीडियो कर रही हूँ। और खैर, रीजन में मैं अपनी क्या मेरा रीजन रहा वो मैं फिर कभी बात कर लूंगी, लेकिन आज हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं। काफी सारी आपसे बात हुई मेरी, और उससे मुझे ये अंदाजा लगा, मुझे ही नहीं हमारे इंडियंस को, हमारे व्यूवर्स को, मुझे एक बहुत कॉमन कमेंट मिलता है कि दिलीप जी पाकिस्तान में रहकर ऐसे कैसे निकल गए, वो इतना अलग सोच कैसे रख सकते हैं, उनकी विचारधारा, उनके उनका लहजा, उनकी सोच, ये सब इतनी अलग कैसे हो गई? क्योंकि एक एक कॉमन सा है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान में रहता है वो वही की किताबें पढ़ता है, उसकी जो सोच है वो वही रहती है, और वो बहुत ही महदूद हो जाती है, जो दुनिया की लेकर नहीं चलते, बस उनका एक ही रहता है। ज्यादातर हमने चीजों में देखा है कि अपने आप को सुपीरियर मानना। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में आपकी एडुकेशन हुई है, जैसा कि आपने पहले बताया था, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी वहां पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएं, ये सब कैसे हुआ? देखें, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरी क्यूरियोसिटी को नहीं मारा। जो सवाल पूछा बचपन में, जो बच्चे पूछते हैं, मेरे हर सवाल का जवाब दिया अगर उनको जवाब पता था, और अगर उनको नहीं पता था तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। कभी ये नहीं बोला गया कि सवाल क्यों करते हो, चुप हो जाओ, आइंदा से मेरे से ऐसे सवाल मत करना, जो ज्यादातर पाकिस्तान में माँ बाप करते हैं। इंडिया का तो मुझे नहीं पता। दूसरा, बचपन से मेरे घर वालों ने मेरे में रीडिंग की हैबिट डाल दी। मतलब मैं खिलौनों में पैदा नहीं हुआ, बड़ा पला बड़ा नहीं हूँ, मैं किताबों में ज्यादा पला बड़ा हूँ। तो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे स्टोरी बुक हो, मतलब बुक हो दो, अब वो जरूरी नहीं नॉलेज की बुक हो, स्टोरी बुक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किताबों में मेरे पास किताबें ज्यादा थी, खिलौने कम थे बचपन में। तो पढ़ाई का, रीडिंग का इंटरेस्ट वहां से शुरू हो गया। फिर अब जब बड़े हुए, सब कोई भी चीज पढ़ने की दिख जाए तो बस पढ़ने बैठ जाते हैं। मतलब वो हमें सिर्फ दो लाइनें पढ़नी है, उसके बाद हमें उठा के कोई दिखा दे, वो जब तक खत्म नहीं होगी पढ़ के, चाहे वो एक पैराग्राफ हो या 400 पेज हो, हम जब तक पढ़ के खत्म नहीं करेंगे तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। तो ये जो क्यूरियोसिटी थी और एक रीडिंग हैबिट थी, इसने ये एक बेसिक फाउंडेशन थी। उसके बाद देखें, इसी रीडिंग के चलते चलते मैंने वक्त से पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया। जैसे अगर जो गलत हिस्ट्री जैसे हम कहते हैं, वो गलत हिस्ट्री आपकी 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई जाती है, वो हिस्ट्री मैंने 5, 6 में पढ़ ली, जो किताबें थी। ठीक है, तो मैंने वक्त से पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया। बिजनेस का जैसे हम ओ लेवल मैंने दिया है कैम्ब्रिज सिस्टम, तो 9th में हमारा बिजनेस आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग। तो मैंने इकोनॉमिक्स थोड़ा लेट शुरू किया था, वो मैंने ओ लेवल के टाइम पे पढ़ना शुरू किया, बट बिजनेस और अकाउंटिंग मेरा ओ लेवल में जाने से पहले कंप्लीट हो चुका था, मैं पढ़ चुका था। क्योंकि हमारे घर में एक ये भी था कि मेरे चाचा की किताबें भी इधर ही हमारे घर पर पड़ी हुई थी, उनकी यूनिवर्सिटी की किताबें, जो वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की। तो वो जो घर में किताब मिले बस उसको पढ़ के रट्टा मार के खत्म कर दो, बस पढ़ो और फेंको, पढ़ो फेंको, और वही हम करते रहते थे। तो वक्त से पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया था। फिर ये कि फिर जब किताबों में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, तो फिर हम उस वक्त इंटरनेट आ गया था, तो इंटरनेट पे बैठ के ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे कुछ। जैसे शुरुआत तो हमने इस तरह की थी कि जो मशहूर नाम होते हैं ना टीवी पे, जो आप ज्यादातर सुनते हो या घर वालों से, उस टाइम पे बिल गेट्स होता था, ये फेसबुक बहुत मशहूर हो गया था, तो मार्क जकरबर्ग का भी नाम था, और ये 7-8 की बात मैं आप कर रहा हूँ आपसे, 8 या 9, 2008 या 9। उसके बाद ये जो फिल्म एक्टर्स होते थे, हॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड क्या है, ये खोल खोल के हम जाके पढ़ते थे। तो वहां से करते करते इंटरनेट एक ऐसी चीज है ना, आप एक चीज पढ़ रहे हो, उसके अंदर बीच में क्या और चीज आती है जिसका लिंक वहां पर अवेलेबल है, बस आप लिंक पे राइट क्लिक करो और निकल जाओ आगे। तो हमने इस तरह करते करते वो घुसते गए। फिर पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर था, पाकिस्तान में कहावत है बाय द वे, अभी तो इतना यूज नहीं होती, हमारे टाइम पे बहुत यूज होती थी, अरे टाटा बिरला की औलाद है क्या। यहाँ पर टाटा बिरला इंडिया से ज्यादा मशहूर थे, इधर उनके नाम पे कहावत थी, तो टाटा बिरला क्या है, तो वो सर्च किया। तो वहां से शुरू करते करते जब टाटा को पढ़ा, तो बस वहां से हमें एक इंस्पिरेशन मिली कि अब बिजनेस करना।
और बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, वो फिर टाटा को पढ़ते पढ़ते, टाटा को पढ़ते पढ़ते मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल में अभी भी बारह पढ़ ही साल रहा हूँ, बट अभी भी टाटा को तो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। इतना कुछ है सीखने को, क्योंकि ऑनलाइन जब मटेरियल खत्म हो गया ना, तो फिर प्राइवेट मटेरियल लेके आए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो टाटा के ऊपर लिखे हुए हैं, वो 150 साल पुरानी कंपनी है, आप जितना उसके बारे में पढ़ो उतना कम है। उनकी बिजनेस बिल्कुल स्ट्रेटेजी, जब मुश्किल आते आई, जो यूनियन स्ट्राइक्स मुंबई में हुई थी, किस तरह वो बगैर ब्राइब दिए भी टाटा वाले सरवाइव कर रहे थे उस टाइम पे, यूनियन स्ट्राइक्स के टाइम पे, बॉम्बे डाइंग के साथ क्या मसला हुआ था, ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते हम लोग बड़े हुए, तो ये उसमें बड़ा मजा आता था। और जो सोच थी कि इंडिया बनने से पहले ही इंडिया के सबसे महान इंस्टीट्यूशन सेटल हो चुके थे, टाटा फंडामेंटल रिसर्च जो है वो 45 में हुआ है, इंडिया 47 में आजाद हुआ है, और वो उसके अंदर एडमिशन तो आईआईटी से भी मुश्किल है। आप एक बार आईआईटी में ले लोगे, टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट में लेना तो और भी मुश्किल हो जाता है, वो आईआईटी से मुश्किल है। तो वो चीजें कितने विजनरी थे, तो ये सारी चीजें। फिर दुनिया के बारे में पढ़ते रहे, फिर स्टॉक मार्केट पे आ गए, इसी ऑनलाइन की दुनिया से हमें वॉरेन बफेट का पता चला। तो मैं मैट्रिक में था, तो मैं जब 10th क्लास में आया, तो 10th क्लास में फिर स्टॉक मार्केट में मैंने फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट की थी, सेविंग से। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट तो क्या ही उसको बोलना, पर ये कि वहां से जो थोड़ा बहुत सेविंग्स पे जो हमें रिटर्न मिला, वहां से एक एप्रिसिएशन मिलती है, एक आपको हिम्मत आती है कि ठीक है, हमारा ये जुगाड़, जो दिमाग जो भी बोल रहा था, सिक्स सेंस या एनालिसिस, वो सही था। तो करते करते तो मेरा जिंदगी में जो पहला काम था वो स्टॉक मार्केट का था, तो उस पर मैं खरीदता बेचता था। तो वहां से करते करते हम आगे बढ़े। फिर मैंने 12वीं जब पास कर ली, तो फिर मैं कराची चला गया, फैमिली हैदराबाद में थी, मैं कराची चला गया पढ़ने। वहां पर एडमिशन भी ली यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ अपने पैसों के साथ, थोड़े अपने थे कुछ फैमिली से उठाए, बिजनेस शुरू किया। तो वहां से करते करते फिर आगे बढ़े हम लोग। तो और ऑनलाइन ये पढ़ना चालू रहा, पढ़ना कभी भी खत्म नहीं हुआ, पढ़ना आज तक चालू है। अभी भी दिन में कम से कम आप ये समझे 6-7 आर्टिकल तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। उसके बाद मेरे एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, राइटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये तीन तो मेरे डेली के कंफर्म है। हफ्ते में 2 बुक्स पर मैं पढ़ लेता हूँ, तो जैसी भी बुक हो, मैं स्टोरी बुक भी पढ़ लेता हूँ। भाई बात ये है कि स्टोरी बुक में मतलब ऐसी भी कोई नहीं कि रोम कॉम पढ़ रहा हूँ, जो होती है ना एक क्रेडिबिलिटी वाली स्टोरी बुक्स, बड़े बड़े राइटर्स की जो अच्छी स्टोरी बुक्स लिखते हैं फिक्शनल, उनकी मैं पढ़ता हूँ, या रशियन क्लासिक है, फ्रेंच क्लासिक है, उनकी जो ट्रांसलेटेड वर्जन है इंग्लिश में, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ लिटरेचर। तो वो बस इस तरह एजुकेशन का तो इस तरह रहा है कि क्यूरियोसिटी कभी नहीं मारी गई। दूसरा हमें भी बिल्कुल शौक था रीडिंग का, तो वो बस वो आप निकलते गए लिखा, घर वालों ने कभी डिस्करेज नहीं किया, जो किताब बोली लाके दी, चाहे वो किताब कितनी भी महंगी क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में किताबें भी बहुत ज्यादा महंगी है। मैं आपको इससे एक अंदाजा देता हूँ, मैंने कार्ल मार्क्स की 3 किताबें खरीदी, द कैपिटल, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की, वो मुझे 3 किताबें 16,500 रुपए की पड़ी थी, आज से 2013 या 2014 की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा दिलीप जी, आपका मैं जितना भी लाइफ जर्नी सुनती हूँ और मैंने और चैनल पर भी आपका देखा है, आप ग्लिम्स में अपना लाइफ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और कहते हैं कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू, ये तीन चीजें आपके साथ हमेशा चलती हैं। आपने जितना भी बताया आपकी इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, या यूं कहूँ कि आपकी मजबूत शख्सियत जो आपने की, उसमें दो चीजें मुझे अहम किरदार लग रहा है। एक तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी फैमिली में आपको किस तरह से उन लोगों ने इनकरेज किया, आपके पेरेंट्स ने किस तरह से आपको, आपकी क्यूरियोसिटी को कभी मारा नहीं। पाकिस्तान में ये हम चीज सुन रहे हैं आपके मुंह से, ऑनलाइन आपने पढ़ना नहीं छोड़ा, किताबें भले ही महंगी होती हो लेकिन आपने जितना भी जिक्र किया, न्यूज पेपर्स का भी जिक्र किया, तो वो मैंने देखा आपने भारतीय न्यूज पेपर या फिर इंटरनेशनल न्यूज पेपर की बात की। दूसरा आपने बुक्स का जिक्र किया, वो भी पाकिस्तान से आपने किसी का जिक्र नहीं किया, तो आप इसमें कितना अहम किरदार मानते हैं कि वो एडुकेशन पाकिस्तान में जो वहां के एक आम शख्स को होनी चाहिए, जबकि आप बता रहे हैं किताबें भी बहुत महंगी होती हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो उस क्यूरियोसिटी के लिए भी आपको बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो
उसको आगे उसको फुलफिल करने के लिए। क्या लगता है आपको, वो एजुकेशन सिस्टम उन लोगों का जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, या वो ऐसे ही बदस्तूर चलेगा? और वहां से आपने भी एजुकेशन ली है, तो ये तो खुद में हैरानी लगती है। तो देखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंटरलिंक हैं। देखें, पहली चीज के कोई अगर पढ़ना चाहता है ना, पढ़ने के शौक है, वो पढ़ सकता है पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। उसको थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, या उसको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर किसी के पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या पैसे कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता, पढ़ वो सकता है। अफोर्डेबल, इतना अफोर्डेबिलिटी है कि इधर जो चाहे पढ़ सकता है। हाँ, ये है कि बड़े शहर में आना पड़ता है, गाँव देहात में तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते पाकिस्तान के। तो ये एक चीज है कि शहर आना पड़ता है। दूसरी जो चीज इसमें है, देखिए, उनके लिए जो फाउंडेशन, जो मेरे फाउंडेशन है, वही उनके फाउंडेशन पहले तो वो होने चाहिए। दूसरा, आपकी सराउंडिंग बड़ी मैटर करती है। सराउंडिंग से मेरी मुराद है कि देखिए, एंटी साइंस सराउंडिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे घर से आए, पढ़े लिखे घर का बंदा है, ठीक है। और कोई अगर किसी के माँ बाप अनपढ़ होते हैं और बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग हैरान हैरान होते हैं, यार ये कैसे सक्सेसफुल हो गया, इसके माँ बाप तो अनपढ़ है। वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। फाउंडेशन तो अनपढ़ माँ बाप भी दे ही सकते हैं ना। सवालों के जवाब देना है या नहीं आते तो बोल दो हमें नहीं आते, ठीक है। सवाल पूछने पे पाबंदी तो नहीं लगाएंगे ना। फाउंडेशन तो यही सेम फाउंडेशन गरीब माँ बाप या अनपढ़ माँ बाप भी दे ही सकते हैं, सेम फाउंडेशन जो मेरे पास थी। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनकरेज करो, एंटी साइंस आपका सराउंडिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी सराउंडिंग कभी एंटी साइंस हमारी हो भी नहीं सकती, सनातनियों की एंटी साइंस। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जब आपकी बिल्कुल एंटी साइंस सराउंडिंग होती है ना, कितना भी आपका होराइजन बड़ा हो जाए लेकिन वो फिर भी लिमिटेड ही रहेगा। आपके उस होराइजन को नापा जा सकता है। मेरे होराइजन को नापा नहीं जा सकता, मेरी नॉलेज को शायद नाप लो, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया की हर चीज मुझे थोड़ी ना पता है, क्या मैं कोई हर चीज थोड़ी ना जानता हूँ। तो मेरी नॉलेज को नाप सकते हो, पर मेरे होराइजन को, मेरी इमेजिनेशन को और नहीं नाप सकते। दूसरा, जो मैंने पाकिस्तान के नॉर्मल लोगों में देखा है, दे आर रिलक्टेंट टू इमेजिन, वो इमेजिनेशन में बड़े वीक है। और उनको पता नहीं, या तो अब इमेजिनेशन का मुझे समझ में नहीं आता, वो तो खुद ही करते हैं। अब उसके अंदर क्या मसला है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं इमेजिनेट बहुत करता हूँ, पूरी दिमाग में एक फिल्म चलती है, स्टोरी चलती है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे जियो पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, चाहे बिजनेस पढ़ रहा हूँ। अगर स्टॉक मार्केट की स्क्रीन चल रही है मेरे सामने तो वो दिमाग में स्टॉक मार्केट के नंबर, वो पूरी एक मूवी चल रही होती है। इमेजिनेट हम लोग बहुत करते हैं, इमेजिनेशन से तो क्रिएटिविटी आती है। तो पता नहीं पाकिस्तानी लोग, इमेजिनेशन पाकिस्तान में नहीं मुझे नजर आती, वो क्यों नहीं है, इसकी वजह मुझे भी आज तक पता नहीं चली है। तो लेट्स सी उसका मैं क्या होता है। एग्जैक्टली वही हाँ जानना चाह रही हूँ कि आपने पाकिस्तान में रहकर पढ़ाई की है, पाकिस्तान का माहौल, स्कूल कॉलेजेस में जब आप गए होंगे, यूनिवर्सिटी में गए होंगे, आपकी सराउंडिंग हो रही होगी स्टूडेंट्स की। लेकिन मैंने पाकिस्तान से ऐसे बहुत सारे बच्चों का उनका सोच देखा है कि एक बच्चा गुब्बारे बेच रहा है और वो कहता है कि मैं जाके गैर मुसलमानों को मार दूंगा, क्योंकि उसे जब पूछे जाते हैं तो स्कूल में पढ़ो, नहीं मैं स्कूल कभी नहीं गया हूँ। लेकिन ये तुम्हें किसने बताया? ये मेरी अम्मी ने बताया मुझे कि आप मुसलमान हैं तो यू आर सुपीरियर, आप में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो बच्चे में उसकी माँ डाल रही है। और हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं कि माँ और गुरु ये राष्ट्र निर्माता होते हैं। तो पाकिस्तान के जो माँ हुआ या गुरु हुआ, तो दोनों जगह ही जब बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, तो आप कैसे बच गए उससे, ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, वही फैमिली आ गई और दूसरी पर्सनल एजुकेशन आ गई, और कुछ ये बोलने के वो ऊपर वाले का करम था हमारे ऊपर, उस वजह से बच गए। क्योंकि बहुत कम टाइम में बोले या छोटी उम्र में बोले, दुनिया कैसे चलती ये हम समझ गए थे। मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ 12वीं की, 12, 2012, ठीक है, 2000, ओ सॉरी 12 नहीं, 14, 2014 तक मैं ये समझ गया था कि दुनिया चलती कैसे है, डीप स्टेट क्या होता है, जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, बैरोक्रेसी क्या होती है, टेरोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है। तब तक मैं क्रूसेड्स की वॉर भी पढ़ चुका था, यूरोपियन वॉर सारी पढ़ चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 2 दोनों ये मेरी कंप्लीट में कर चुका था, द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर, द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, द ग्रीक एम्पायर,
पर्शियन एम्पायर, मेट्रोसोमिया हो गया, बेबीलोन हो गया, ये सब मैं पढ़ चुका था तब तक, 12वीं तक। तो मुझे तब तक समझ में आ गया था कि दुनिया चलती कैसे, जो आज हम आप बात करें कि इससे कैसे बच गए, ये दुनिया के हिस्से हैं ये मैं उस वक्त समझ गया था, और इनसे बचना कैसे ये भी उस वक्त समझ गया था। मैं एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा जो मैंने काफी लोगों को भी की है, अपने बच्चों को लाजमी बिफोर दे ज्वाइन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले कम से कम उनको बोलें कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका पूरा का पूरा पढ़ लें। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में जितनी भी किताबें आती हैं, लिटरेचर, फिलोसफी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, साइंस, हर वो किताब पढ़ लें जो उस पूरे ब्रिटैनिका में आती हैं। वो एक बहुत बड़ा एज आपको जिंदगी में दे जाती है, फिलोसफी वगैरह हर चीज। तो वो मैंने पढ़ ली थी 2014 से, पर उसका वो मुझे आज भी याद है, उस वक्त वो पाकिस्तान में 1.25 लाख रुपए का मिल रहा था पूरा जो पैक था किताबों का। तो वो हमने फिर यूके में मामू को बोला था कि यूज्ड में कोई खरीद के हमें भेजो, तो यूज्ड में हमें वो 42,000 का पड़ा था। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बहुत महंगा है, इंडिया में भी मेरे ख्याल से इतने का ही है, इंडिया में आज भी 40,000 समथिंग का है पूरा पैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर वो बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में आपका बच्चा चाहे डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया के सच आपको पता चल जाते हैं, दुनिया चलती कैसे, 21st सेंचुरी कैसे चलती है वो आपको पता चल जाती है। तो आपका बहुत कुछ है ना दिमाग से क्लियर हो जाता है कि राइट विंग क्या होती है, लेफ्ट विंग क्या होती है, राइट विंग को राइट क्यों कहते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट क्यों कहते हैं, और दुनिया में राइट विंग की इतनी गवर्नमेंट्स क्यों नहीं है, राइट विंग से नफरत ज्यादा क्यों है, लेफ्ट विंग से नफरत क्यों नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग पूरी दुनिया में समझ गए। तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा देखें पाकिस्तान में बहुत स्कूल की कैटेगरीज है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें एजुकेशन जो सिलेबस है वो सारा सेम होता है, प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ ये होता है वो सेम सिलेबस ऑक्सफोर्ड के लेबल के साथ छपके पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में वही सेम सिलेबस आपके सिंध टेक्स्ट बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड छाप के पढ़ाया जाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइवेट स्कूल्स में भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो बिल्कुल ही हल्के प्राइवेट स्कूल है जो मतलब जिनका तो 100% धंधा है, फिर आपके एक वो प्राइवेट स्कूल आते हैं जहां पर उनका 50% धंधा है, जो अपना समझते कि 50% पढ़ाना है, 50% धंधा करना है। तो मैं उस स्कूल में पढ़ा था 50% वाले में, तो हम लोग फिर भी मॉडरेट थे और यहाँ के बच्चे भी मॉडरेट थे और हमारा टाइम भी अलग था। एक ये चीज भी देखनी है, आज जो लोग कॉन्सेप्ट या परसेप्शन इन पाकिस्तान को देख के बनाते हैं वो आज का देख के बनाते हैं। मेरी स्कूलिंग आज तो नहीं हुई ना, मेरी स्कूलिंग 2000s की स्टार्टिंग में हुई है, उस टाइम पे माहौल इतना खराब नहीं था। देखे माहौल तो स्टार्टिंग से खराब रहा है, इतना खराब नहीं था, शहरों में गंद नहीं था, गांव देहातों में ट्राइबल एरिया में गंद होते थे, रेडिकलाइजेशन होती थी, सब होता था। ये मेन शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये तो बिल्कुल लेटेस्ट कहानी, आप समझे कि 15 से शुरू हुआ है, 18 में तो कुछ ज्यादा ही पीक इसने पकड़ ली और स्पाइक आया इसके अंदर, बहुत ज्यादा तेजी आई, तो वो सब हुआ। बाकी तो देखें इसके अंदर अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं कुछ कहानियां सुनता हूँ, टॉप नॉच प्राइवेट स्कूल जो होती है ना टॉप नॉच, उनके अंदर भी यही मसले हैं, स्टूडेंट्स ने एक का किया हुआ कि यार वो हिंदू है हम उससे बात नहीं करेंगे, सारे स्टूडेंट्स ने मिलके एक का किया हुआ। पाकिस्तान में हमें एक बहुत बड़ा मसला नजर आता है। एक तो जैसे आपने कहा कि 2014-15 की ये चीज जो है इसका लेवल बड़ा है, रेडिकल माइंडसेट, एक्सट्रीमिज्म, अपने आप को सबसे ऊपर रखना, और बाकी हर एक रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रही हूँ मैं, तो उनको और ज्यादा फोर्स कन्वर्जन बढ़े हैं, उन पर अटैक्स भी बढ़े हैं, बहुत सारी चीजें हम पाकिस्तान से देख रहे हैं जो कि कंटिन्यूटी में आ रही है। खैर, आपने जो पुराने वक्त की बात की है, जो जितनी भी वहां पर तंजीमें हैं इस तरह की जो इस पर वर्क कर रही है, वो तो काफी साल पहले बनी हुई है, और ये कह सकते हैं कि अब उनमें तेजी आ गई। तो आप यहाँ पर इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार किस चीज को मान रहे हैं? क्योंकि फ्रीडम की बात करें, चाहे वहां पर रूल ऑफ लॉ की बात करें, चाहे वहां पर ह्यूमन राइट्स की बात करें, किसी भी चीज में हमें पाकिस्तान कहीं बेहतरी की तरफ तो नजर आ नहीं रहा है। लेकिन जितना आपका शख्सियत की हम देखते हैं, और आप जैसा कह रहे हैं कि मेरे माहौल, मेरे परिवार, मेरी एजुकेशन, मेरी क्यूरियोसिटी, इन सभी चीजों का एक पूरा एक मिक्सअप रहा है, तब जाके मेरी ये शख्सियत बनी है। तो आप पाकिस्तान को भी वहां उन सब चीजों पर आप कहाँ देख रहे हैं, वो
सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो पढ़े लिखे लोगों को, इंग्लिश बोलते हुए लोगों को एक एक्सट्रीमिज्म माइंडसेट के साथ देखा है पाकिस्तान में। मैं आपको बताता, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो उसकी वजह है वो मदरसे और वो तंजीम है, ठीक है। वो तो 80s की शुरुआत 78 79 से पाकिस्तान में है, लेकिन अब जो पढ़ा लिखा ऐसी बातें क्यों करता है, या शहरों में कैसे आ गई 2014-15 में, शहरों में कैसे आ गए, मेट्रोपॉलिटन में कैसे आ गए, उसकी वजह 80s में हमारा एजुकेशन सिस्टम हद से ज्यादा रेडिकलाइज किया गया जियाउल हक ने, ठीक है। अब 80s का एजुकेशन सिस्टम है, 90s में वो पढ़ रहा है, फिर 2000 में वो पढ़ के कहीं जॉब वॉब पे लगता है, पोजीशंस पे लगता है, तो 2010 तक आपकी सारी गवर्नमेंट पोजीशंस पे बैरोक्रेसी में उस नए एजुकेशन रेडिकलाइज एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग हैं। तो अब क्या है, उन तंजीमों को स्टेट सपोर्ट आ गया, स्टेट से मेरे ओके मुराद है सिविल सपोर्ट, स्टेट सिविल सपोर्ट, तो अब वो आ गया। अब पहले तो भाई, जो पहले 80s या 90s में जो लोग बैठे हुए थे वो तो पुराने एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बैठे हुए थे ना, वो तो मॉडरेट एजुकेशन सिस्टम था और बहुत बेहतर था। तो जो जनरल ज़िया लोग के एजुकेशन सिस्टम से पढ़े लिखे लोग तो अब जाके बैठे ना 2002 2003 के बाद, वो बड़ी बड़ी पोजिशनों पे बैठे, बैरोक्रेसी में आए। ये आपका हाल हुआ, फिर मदरसे की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, अब तो मेरे ख्याल से 30 के 40 हजार तो रजिस्टर्ड मदरसे हैं पाकिस्तान में, रजिस्टर्ड, तो वो बढ़ गई। फिर वो होता है ना कि पॉलिटिक्स, इधर ही पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है इंडिया की दुश्मनी को, ठीक है, वो गेन करने के लिए, पॉलिटिकल जो होता है आपका पावर या पॉलिटिकल अपीजमेंट जो होती है आपकी स्कोरिंग होती है, वो आप करते हैं, तो उस वो चीजें और भड़का देती हैं। वो आप वही चीजें टीवी चैनल पे चल रही हैं, तो वो जाहिर से टीवी चैनल पे भी हो जाती है। आप जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखते हैं, तो सेलिब्रिटी तो इन्हीं एजुकेशन सिस्टम पे पढ़ के लिख ले हैं, ये सेलिब्रिटीज कहाँ जीने देते हैं, ये भी नहीं जीने देते। और लोग बोलते हैं ना कि ये तो बंदा बाहर से पढ़ के आया है, हमें तो नहीं लगा था ऐसा होगा, चाहे वो बड़ा एलीट का हो या कोई मिडिल क्लास का हो, 12वीं तो वो पाकिस्तान से करके गया ना, 12वीं तो 12वीं मतलब 18, 18 मतलब दिमाग की ग्रोथ आपकी खत्म हो चुकी है, आपका जो माइंडसेट बनना था, जो आपका माहौल बनना था, सोच बननी थी, वो बन चुकी है बाकी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम दुनिया में कहीं पे पढ़ के चाहे 40 साल बाद भी आ जाओ, तुम वैसे के वैसे तुम्हारी सोच रहेगी। बिल्कुल, जो जहन बनने का वक्त था वो पाकिस्तान में बीता होता है, तो इसी वजह से बिल्कुल जहनियत जो है वो बदल नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो दिलीप जी, हम पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत देख रहे हैं कि कुछ वक्त पहले हमने माइनॉरिटीज अटैक देखे और अभी भी वो लगातार जारी है, बहुत सारी चीजें हम पाकिस्तान में ऐसे देख रहे हैं। आप ऐसे पाकिस्तानी, पाकिस्तान के बारे में बड़ा अच्छा आपने कई बार बोला है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो नाअहली है, जो इनकैपेबिलिटी है, उस पर लोग वर्क करें और तो कुछ हो सकता है बेहतर। तो आपका क्या विजन है, आप क्या सोचते हैं वहां की माइनॉरिटीज के लिए किस तरह का तहफूज होना चाहिए, और वो जो वहां मेजोरिटी है, जो एक पूरा बहुत बड़ा तबका है वहां पर, और उसमें जो पाकिस्तानी युवा है वो बड़ी तेजी से रेडिकलाइज हो रहे हैं, कैसे पूरे गैर मुसलमान के साथ और भारत के साथ दुश्मनी रखनी है, ये एक हमेशा से वहां पर सेंटर पॉइंट रहता है। तो आपका क्या विजन है इन सब चीजों को लेकर? जो होना चाहिए एथिकली, तो वही हमें चाहिए और वही हमारी सोच है, इक्वल राइट हो, हमें कोई कोई ना हमें प्रिविलेज राइट दो ना उनको कोई प्रिविलेज दो, इक्वल पे दोनों पे रखो। अगर कहते हो कि हम इक्वल सिटीजन हैं तो, और अगर इक्वल नहीं भी मानते तो कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चल लो, कम से कम ये मारना और ये जो उल्टे सीधे काम होते हैं ये तो बंद करो, एजुकेशन से रेडिकलाइजेशन नफरतें तो बंद करो। तो वो तो देखिए अब इम्पॉसिबल है, इसके ऊपर क्या बात करें और कितनी बात करें, अब तो बात भी करने का दिल नहीं करता, कितनी बंदा करे, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसपे आप 1000 दफा भी बात कर लेंगे, क्योंकि हर बार आपके पास कुछ ना कुछ नया होगा बोलने को, क्योंकि उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रही, और स्टेगनेट हो गया, जितना बेड़ा गर्क होना था हो गया, बस आप वाकयात होते हैं, वाकयात को बैठ के बस क्या डिस्कस करें, उसके अंदर कुछ नया है भी नहीं बोलने को, तो अब इसके अंदर ऐड भी क्या किया जाए, बस अफसोस होता है। बस कहना तो हम यही चाहते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए नहीं भाई, हमें कोई प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, पहली चीज। अगर वो भी नहीं कर सकते, इक्वल राइट्स नहीं भी दे सकते, कम से कम मारना ही बंद कर दो, नफरत फैलाना ही बंद कर दो, इतना ही कर दो। रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ये जो विजन नहीं एक वर्ड होता है ये अपने आप में बहुत कुछ सेलिब्रेट करता है, नेशन को लेकर, सोसाइटी को लेकर, कम्युनिटीज को लेकर। को लेके, घर को लेके, बिजनेस को लेके, विजन तो हर जगह होता है, आप जहाँ उसको यूज कर बिल्कुल सके। जिसके पास होता है वो हर जगह यूज करता है, जिसके पास नहीं होता वो कहीं पे भी यूज नहीं कर पाएगा। तो हम दिलीप जी आपके आपका फ्यूचर प्लान जानना चाहेंगे कि फिर आपने आपने जितना भी अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? ये मेरे फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि मूव आउट करूँ मैं पाकिस्तान से। प्रॉब्लली इन फ्यू मंथ्स आई विल बी आउट ऑफ पाकिस्तान। मेरी फैमिली ऑलरेडी भारत शिफ्ट हो चुकी है, तो मैं फिलहाल तो पाकिस्तान में अकेला ही रह रहा हूँ। और बस ये है कि अब बिजनेसेस वगैरह हमने सारे वाइंड अप किए। 18 में बाय द वे डिसीजन हमने लिया था, जब इमरान खान आए थे और आतिफ मियां जो चीफ इकोनॉमिस्ट जो भी थे वो एडवाइजरी पैनल में, अहमदिया इमरान खान ने जब प्रेशर में उसको निकाला, तो फिर वो एक दिल से चीज उतर गई थी। और उसके बाद फिर वो था कि अब जाना है। 18 में था, 18 से पहले मेरा ये था कि चलो पाकिस्तान में रह लेंगे। फिर 18 में हमने डिसीजन लिया स्लोली एंड ग्रेजुअली। हमने पहले बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट किया, फिर घर वालों को शिफ्ट किया, सिटीजनशिप वगैरह ली हमने। उसके बाद अब मैं आखिरी मैं भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन और ये वाइंड अप में लगा हूँ। बस ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त निकल जाएंगे। मैं कहता हूँ कल कंप्लीट हो तो जाएगी वाइंड अप, तो कल निकल जाएंगे। परसों को कंप्लीट हो, परसों निकल जाएंगे। मैंने पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन देखा है, जो पाकिस्तान का भला सोचता है और वो फिर वहां पर रहना ही नहीं चाहता, वो कहता है हमें चले जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। यासिन जी देखें, मुझे नहीं पता कि दूसरों का क्या था क्या नहीं, मैं अपना बता सकता हूँ। मैंने इवन 18 में डिसीजन लेने के बाद भी बहुत कोशिश की कि मुझे कोई सामने से इशारा मिले कि इधर रहने की। तो इशारा मतलब कैफे के, देखिए मैं जो अपनी फील्ड है जिसमें मेरी एजुकेशन है ठीक है, या जो मेरी प्रोफेशनल फील्ड है, मैं उसी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था। अब जाहिर सी बात है मैं कोई साइंस या डॉक्टरी में तो जाके कॉन्ट्रीब्यूट करने से रहा, तो उसके अंदर मैंने काफी कोशिश की थी। जो मेरे प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी लेवल के थे या जो मेरे पार्ट टाइम में बैठ के मैं बनाता था, अपनी रिसर्च वगैरह करता था इकोनॉमी के ऊपर, वो सारी काफी सारी चीजें मैंने शेयर की कंसर्न अथॉरिटीज और कंसर्न पर्सन से। पर अफसोस की बात यह है कि मेरी मेल का रिप्लाई तो छोड़े, मेरी मेल कभी खोली भी नहीं गई, तो रिप्लाई तो बहुत दूर की बात है। और ये मैं 18 के बाद की बात कर रहा हूँ, ये डिसीजन लेने के बाद की। लेकिन मैंने कोशिश फिर भी की थी कि मुझे कोई इशारा अगर मिल जाए तो मैं इधर रह जाऊं, पर मेरे को नहीं मिला। तो बस अब खत्म, अब तो डी एंड, अब तो मेरे को अब कोई चाहे पाकिस्तान की पूरी दौलत भी दे दे तो भी नहीं रुकने वाला। अब तो मैं डिसीजन ले चुका, फाइनल फुल एंड फाइनल 100% कंफर्म है कि अब जा रहे, अब कोई रोकेगा भी तो आप पाकिस्तान में नहीं रुकेंगे, अब नहीं। तो बस मैं आप पाकिस्तान से जा रहे हैं और मैं अभी वीडियो को अंत करते करते आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे, जो फैमिलीज आपको देख रही है, जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं पाकिस्तान से, कोई भी देख रहा है अगर, क्योंकि आपने जो भारत के एजुकेशन की भी बात की तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर तो हम लोगों का बेस ही शुरू में ऐसा बनता है कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना है, आपको जो भी करना है आपको मानवता के लिए करना है, दुनिया को एक परिवार मान के करना है, तो वो चीज हमारा रहता है, पाकिस्तान में वो चीज नहीं है। तो आप उन सबको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर कितने कैरियस हैं, कितनी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। अभी पाकिस्तान में एक जज की वाइफ थी, उन्होंने उस बच्ची का क्या हशर नशर किया है, आपने भी वो केस देखा होगा। वो तो पुरानी खबर हो गई, अभी आपने कल की खबर नहीं देखी है तो वो तो तौबा है, बस बंदा क्या ही बात करे। पाकिस्तान में तो हर रोज की खबर है, पाकिस्तान में तो हर दिन की खबर है, तो ये कंटिन्यू हो रहा है और इस पर कोई भी बात नहीं करता है। आपके इस पर कोई डिबेट, कोई कोई ऐसा कोई शो नहीं होता, ज्यादातर वो उस पर तवज्जो देते हैं कि भारत के ऊपर शो करना है, चाइना के ऊपर शो करना है, कैसे अपनी आवाम को कॉपी करना है। तो आप क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि अगर मुस्तकबिल बनाना है तो अपने बच्चों के साथ कैसे करना है, क्या उनकी एजुकेशन होनी चाहिए और क्या उनकी परवरिश होनी चाहिए? और मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो पाकिस्तान में भी देखें लोग, उसको शेयर करेंगे। जी अपने बच्चों को एक्सट्रोवर्ट बनाओ, क्योंकि बच्चे देखें कुछ तो नेचुरली इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश करो। उनको 10 दिन कभी किसी बुआ के घर पे अकेला रहने के लिए भेजो, विदाउट मदर और विदाउट फादर और विदाउट एनी सिबलिंग्स। पहली चीज उसके अंदर एक वो आता है ना कि आप जब दूसरों के घर में रहते हो ना, आप छोटे छोटे काम भी खुद करते हो।
आपको थोड़ी शर्म भी आती है यार, बुआ आ रही है बर्तन उठा के जा रही है, कमरे में आके खाना दे रही है, तो वहां से एक है ना वो एक सेंस ऑफ वर्किंग का वो एक आता है, और आप एक्सट्रोवर्ट भी होते हो, इंट्रोवर्टनेस बिल्कुल आपकी सेल्फ आती है। सर्विस का एक बिल्कुल देखो दूसरा जो चीज है कि मुझे पता है हर माँ बाप को हर चीज तो नहीं आती ना, हर इंसान को ही हर चीज नहीं आती, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को कम से कम अगर इतना सिखाना चाहते हैं ना कि दुनिया कैसे चलती है और सही और गलत, ये मत बताओ कि सही क्या है गलत क्या है, ये सिखाओ कि वो फर्क कर सके सही और गलत के बीच में। इसके लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, चारों वेद, गीता और महाभारत, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय द वे ब्रिटैनिका में चारों वेद आते हैं, पर मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा क्योंकि तो इंडियंस को पता नहीं है कि ब्रिटैनिका में वेद भी आते हैं। तो ये पूरा ब्रिटैनिका में जितनी किताबें हैं वो सारी अपने बच्चों को पढ़ाएं, वेद चारों पढ़ाएं, उसके बाद महाभारत पढ़ाएं, उसके बाद आप गीता पढ़ाएं, फिर रामायण पढ़ाएं। बच्चों को ये मत सिखाओ कि सही क्या गलत क्या, उनको ये सिखाओ कि वो सही और गलत में फर्क कर सके, तब जाके आपका कोई बच्चा जिंदगी में कुछ कर पाएगा और वो कभी गलत काम पे कभी नहीं जाएगा, ये भी एक चीज है, वो कभी गलत काम की तरफ अट्रैक्टिव भी नहीं होगा, जब उसको खुद को फैसला करना आएगा और आइडेंटिफाई करना होगा। तीसरी चीज, अपनी हिस्ट्री हमेशा पता होनी चाहिए। मेरा इंटरेस्ट इंडिया के अंदर इस तरह ग्रो हुआ था, मुझे था कि मुझे अपनी जमीन के बारे में पढ़ना, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया के बारे में पढ़ना, तो हिस्ट्री तो आप ऊपर से नीचे पढ़ते हो ना, उल्टी तो नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने तो 5,000 साल की अवेलेबिलिटी वो वहां से शुरू की, करते 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 आए, तो फिर पता इस तरह पर इंडिया में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और इंडिया का जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर इंडिया के अंदर घुसते ही गए, घुसते गए घुसते गए, तो अब इंडिया के अंदर इतना घुस गए कि अब हर चीज पता है, डेली इंडिया की अखबार पढ़ते हैं, पाकिस्तान की डॉन नहीं पढ़ते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। मैंने इसीलिए पूछा कि आपने सारे इंटरनेशनल या ज्यादातर भारत के और इसकी किताबों के और अखबारों का जिक्र किया, पाकिस्तान में जब वो चीज ही नहीं है तो ये ये क्या देखिए हो। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है, जी ये आज का है। अच्छा, और अगर पाकिस्तान की जानकारी रखनी हो तो क्या पढ़ते होंगे। वो ऑनलाइन देख लेते हैं हेडलाइन ही, मैं न्यूज नहीं, मैं हेडलाइन देख लेता हूँ। डिटेल में मैं सिर्फ ये 3 अखबारों में डिटेल में पढ़ता हूँ, बाकी तो मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। वैसे बात है, ये अखबार भी वो हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मजीद हमें फिर अपनी रिसर्च भी करनी पड़ती है, क्योंकि मैं काफी दफा आपकी वीडियोस में भी कह चुका हूँ हर न्यूज मीडिया आउटलेट बिकावा है, तो ये भी बिके में भाई, ये कि हेडलाइन हमें पता चल जाती है और ये इतना ज्यादा गंद नहीं लिखते, थोड़ा बहुत गंद लिखेंगे, बाकी तो हम रिसर्च अपनी करते हैं, अपनी जो एनालिसिस या अपना जो माइंडसेट बनाना होता है ना, वो हम खुद ही अपनी रिसर्च करते हैं ऑनलाइन, 50-60 रिसोर्सेस खोलेंगे, ये खोलेंगे वो खोलेंगे। अभी 3 बिल आए और सारे व्यूअर्स आप लोग भी जवाब देना, ठीक है, जो भी मुझे देख रहा है कमेंट में, आपके 3 बिल आए अभी, क्रिमिनल आईपीसी को रिप्लेस किया, आपके सीआरपीसी को किया, एविडेंस चेक को किया, कितने लोगों ने वो बिल पढ़े हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, prsindia.org से डाउनलोड करके, वो पेपर जो सबमिट हुआ है वो एग्जैक्ट पेपर जो आपकी राज्यसभा में या लोकसभा में सबमिट हुआ है वो एग्जैक्टली किसने पढ़े हैं, मैंने पढ़े हैं। आपने सारा पढ़ लिया, हाँ मैंने तीनों पढ़ लिया, तो और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, रुपये मुझे ढूंढना पड़ेगा, बाकी मैंने चार सारे पढ़ लिए, जी ये सेकंड पढ़े, थर्ड पढ़े और फोर्थ पढ़े। हाँ अच्छा सारा पढ़ लिया आपने वीडियोस में। भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, तीनों पढ़ लिए मैंने, न्यूज़पेपर में आ गया, मैंने अमित शाह की स्पीच भी सुन ली थी, पर मुझे पता है ये 3 बिल आए, 3 बिल को 40 मिनट में अमित शाह कितना बता देंगे, मुझे अपना डिटेल में पढ़ना था, अगर मुझे एनालिसिस करना है कि फ्यूचर में ये चीज अच्छी है कि बुरी है, और मुझे कल किसी को चार लोग मुझसे पूछते हैं तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तो मैं बगैर पढ़े अपने कैसे मैं कमेंट दे दूं, या आधा पढ़े भी कैसे बिल्कुल, कमेंट दे, और वो इसलिए डिस्कशन थोड़ा में तो अपना। बस मोटी मोटी बात होती है, बारीक पॉइंट्स होते हैं, सारी डिटेल्स नहीं होती। बिल्कुल और बाय द वे अगर लोगों को नहीं पता तो ये भी बता दूंगा, मैं डिटेल में कुछ ज्यादा ही जानने का शौकीन हूँ, क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो एक शौकीन भी हूँ, मजबूरी अच्छा भी है, और मेरी पीएचडी इंडिया के ऊपर ही है, तो जितना हम इंडिया के अंदर, मुझे इंडिया का इस तरह भी पता है, पीएचडी की भी एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर प्ले करती है, बट ये कि हम पहले पढ़ते थे इंडिया को, उसके बाद हमने पीएचडी शुरू की।
हम पे इंडिया का पढ़ रहे थे ना, इंडिया से इतने इंस्पायर हुआ उसकी ग्रोथ से और इससे। मैंने बोला यार जब ये सब हो ही रहा है तो फिर पीएचडी कर लेते हैं, ये तो मेरे किस काम की पीएचडी, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैंने पीएचडी लेके भी दीवार पे टंगानी है या अंदर कपट में रख देनी है, मेरे को कौन सी नौकरी करनी है जाके, या प्रोफेसर कहीं जाके मुझे पढ़ाना है, बस शौक के लिए कर रहे हैं। बस ये होता है ना कि कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो वो कहीं निकलना भी चाहिए, तो वो हम अपनी पीएचडी पे निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने आज हमारे साथ अपना बहुत अपने लाइफ से जुड़ा हुआ काफी कुछ शेयर किया है, और मैं उम्मीद करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करा करें, और खासकर के इसलिए भी कि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि क्यूरियोसिटी आपको लेकर इसलिए भी होती है क्योंकि आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान की माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, फिर आपकी सोच ऐसी है जो पाकिस्तान में हमें बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, बल्कि मिलती नहीं है। जो बात भी कर रहे होते हैं तो वो हम जान रहे होते हैं कि वो किस लहजे में बात कर रहे हैं, उनका एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या उसमें उनको बुलवाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत अभी बीच में ऐसी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी इन चीजों को लेकर के, क्या पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं हमें उन पर बिलीव करना चाहिए, क्या वो वाकई में उन चीजों का एहसास करते हुए ही बात कर रहे होते हैं या फिर ये सब एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें आपसे जानते हैं। बच्चों को डांट की भी है ना बहुत बड़ा असर होता है, बच्चों को आप डांटे क्योंकि गाय से आते हैं, बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों को डांटना पड़ता है, पर कोशिश करें कि उस डांट में भी है ना सीख होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल अपनी छोटी सी दे देता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब अपने फादर के ऑफिस में गया था, बहुत छोटा था स्कूल से, तो मैं जाके ही फादर ऑफिस में नहीं थे तो मैं जाके डायरेक्ट पापा की कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है। तो घंटा बैठा रहा, 1.25 घंटा हो गया। पापा जब ऑफिस में आए, वो कहीं अंदर बिल्डिंग में कहीं और घूम रहे थे, तो वो जब ऑफिस में आए उन्होंने यूं बोला, उठो इधर आओ, इधर बैठने के लिए ना कमाना पड़ता है, ये कुर्सी कमानी पड़ती है। अब वो एक डांट भी हो गई और सीख भी हो गई, दोनों ही हो गया। मुझे पूरी ऑफिस के सामने जलील अलग कर दिया, ठीक है, पूरी ऑफिस मुझे देख रही थी। वो डांट भी हो गई, वो सीख भी मुझे जिंदगी भर के लिए, वो बचपन में मुझे मिल गई कि बेटा हर चीज कमानी पड़ती है, मिलता कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, मगर मैं इस पे किसी और दिन आपके साथ डिस्कशन करूंगी क्योंकि ये मुझे एक लगता है हमेशा से कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए कि आपने तो उसे एक डांट एक सीख की तरह लिया, पर मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर उन्हें डांट दिया जाए, आज के वक्त में हम ये चीज ज्यादा देख रहे हैं तो वो उस चीज को अपने दिल में रख लेते हैं और फिर वो कहते हैं हम इस चीज का बदला लेंगे, चाहे हमारे माता पिता थे या हमारे टीचर थे, इन्होंने हमसे ऊंची आवाज में बात कैसे की। तो वो एक मनोवैज्ञानिक किस तरह की चीजें हो रही है, हम उस पर जरूर बात करेंगे। और चूंकि आप मैंने कहा ना कि हर इंसान की शख्सियत अलग होती है, आपने अपनी शख्सियत में उन चीजों को ज्यादा लिया कि जिससे आप दूसरों को समझा सकें, दूसरों का भला कर सकें, कुछ नहीं तो कम से कम आप एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं बने, आप आतंकवादी नहीं बन सकते। वो चीज माइनॉरिटी में पाकिस्तान में वो आप में हमने देखी है, क्योंकि पाकिस्तान से कौन रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज को, कोई नहीं। अभी भी हम देख रहे हैं किस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, कभी मंदिर पर, कभी गुरुद्वारे पर, कभी चर्च पे, वहां ये चीजें कॉमन है। तो ऐसी जगह से आपका निकल के अपनी सोच को एक मजबूत सोच बनाना, अपनी शख्सियत को बनाना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दीदी जी। अगर मैं इस पर डिस्कशन करने आपके साथ बैठूंगी तो शायद 1-1.5 घंटा और मैं बात कर सकती हूँ इस पर। तो वो जो आपने कहा ना कि मैंने उस डांट को अपने पिता के डांट को सीख की तरह लिया और डांट भी दिया, तो वो आपने किया, लेकिन मैं ऐसे बहुत सी केसेस देख रही हूँ जिसमें एक्सट्रीम हो जा रही है चीजें और वो स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। तो ये एक डिस्कशन का अलग मुद्दा हो सकता है। बहरहाल मैं बस ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी ये कहूंगी, क्योंकि पता नहीं मुझे कुछ कह रहा था कि हमारे इंडियन चैनल्स तो ये लोग वहां पर देखते ही नहीं है, इनका सबका एम होता है कि पाकिस्तानी चैनल्स इंडिया में देखे जाए लेकिन इंडियन चैनल्स को वहां नहीं दिखाया जाता। तो आपकी और मेरी अच्छी बातें पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेंगी, हमने इतना डीप डिस्कशन किया है वो उनको कैसे मालूम होगा। तो इसके लिए दिलीप जी जाते जाते कुछ कर जाइए, कुछ उनको कोई नसीहत दे जाइए कि कुछ नहीं तो हमें सुन लिया करें, और हम तो भारत से बैठे हुए भारतीय बात कर रहे हैं, और अगर मुसलमान को भी एक प्रोपोगंडा और एक एजेंडा बना रखा है पाकिस्तान में, तो मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, तो मैं यहाँ अगर ऐसी बात कर रही होती हूँ तो सुनना चाहिए ना फिर इन लोगों को। तो जब सुनेंगे नहीं, आपने तो कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया, आपने तो बाहर की किताबें और न्यूज़पेपर अरेंज कर लिया, तो ये लोग इतना नहीं कर सकते कि हम लोगों को सुन लें इसके ऊपर जी। कोई ना कोई अभी मैं सोचूंगा, मैंने इससे पहले कभी इस चीज पे सोचा नहीं है, लेकिन अब मैं सोचूंगा इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ क्योंकि हमारे इंडियन चैनल पर तो मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बहुत देखा है, मैं कोई उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने 5-6 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखा है, लगातार उनकी वीडियोस चलाई जाती हैं। फिर न्यूज चैनल की वो बिके में, उनकी बात छोड़ दें, सब बिके में,
हर एंकर पे कहा हुआ, हर न्यूज मीडिया चैनल, अरे तो आपके हर पाकिस्तानी व्हाट्सएप बिके पे हुए ही कहा देख लें, पाकिस्तानी बिके हुए जो है वही दिखा दें अपनी यूथ को, अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, इसके ऊपर टीचर्स को। सोचूंगा, इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, तो मैं सोचूंगा इसके ऊपर, ये मैं आज से पहले कभी बिल्कुल। सोचा नहीं। और इस बात से भी दीदी, मैं जरूर ये जाते जाते कहूंगी, इस बात से भी असर पड़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आप पाकिस्तानी नेशनल होकर आप कभी बुरा नहीं सोचते। हमने आपका जितना भी सुना है, आप एक सीख दे रहे होते हैं कि अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो ये लोग कुछ बेटर करेंगे। हमने कभी ये नहीं सुना कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वो चीज को सुननी चाहिए ना, जिनको सुनना है वो तो सुन ही रहे हैं। तो पाकिस्तान में कोई बात कर रहा होता है, वो चीज हमें नहीं दिखती है। तो आपका बहुत शुक्रिया दिलीप जी, मैं चाहूँ तो और इस पर लंबी बात कर लूँ, लेकिन कोई है हमेशा की तरह हमारी बातचीत बहुत लंबी हो जाती है, और हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि प्लीज वीडियो छोटा कर दें या दो पार्ट में कर दें। तो मैं यहीं पर विराम दूंगी, और मैं उम्मीद करूंगी इन फ्यूचर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जरूर बात करूं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने जीवन से जुड़े हुए हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की, और आपका जो बचपन से अब तक का सफर है वो आपने शेयर किया। मैं उम्मीद करूंगी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान में भी ये वीडियोस दिखाया जाए करें, जैसे पाकिस्तानी वीडियोस को भारत में भर भर के देखा जाता है। बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, धन्यवाद। जय शुक्रिया हिंद। यासमीन जी बुलाने के, थैंक यू।